तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे आप सब लोग? आई होप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिलहाल मैं भी एकदम मस्त हूँ और स्वस्थ हूँ। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 4 और मैं निकल चुका हूँ घर से, निकल चुका हूँ और हम जा रहे हैं अभी एक नए ट्रैक पे। तो बाकी अभी मॉर्निंग के देख सो अंधेरा हो रहा, बिल्कुल 4 बजे हुए हैं और मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। बाकी देख सो तो अंधेरा, फुल अंधेरा। तो फिलहाल मैं अभी नीचे चलता हूँ नाला पानी में और उसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है। आगे बताते हैं वीडियो में कि हम कहाँ जा रहे हैं और कौन कौन जा रहे हैं। एक अच्छा सा ट्रैक होने वाला है हमारा, तो बने रहें वीडियो में और मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस फिलहाल रहने भी हो चुके हैं हमारे तैयार। यहाँ देखो, चेक दिस आउट। अभी हम अपने पॉइंट पे, मेन स्टेशन पे, और यहाँ पे लगी हुई हमारी सारी गाड़ियाँ। बाकी अब इसके बाद चलते हैं तिलौड़ा की तरफ, निकलते हैं फर्स्ट क्लास। और आगे से ऐसा लुक है हमारी रानी का, चेक दिस आउट। फिलहाल अभी देख सकते हो मैं हूँ अभी नौला पानी में। बाकी सुबह हो चुकी है अच्छी खासी और मैं यहाँ पे वेट करूँगा। अभी हमारे साथी लोग आ रहे हैं, 4-5 लोग तिलवाड़ा से आ रहे हैं अभी, और हमारा ट्रैक बन रहा है रुद्रनाथ का। बाबा रुद्रनाथ के दर्शन कर लेंगे जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो अभी वहीं चलने की हमारा प्लान है। बाकी अभी मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, देखता हूँ कितना टाइम लगता है। गाड़ी मैंने यहीं पे लगा दी, रानी को नहीं लेके जा रहा हूँ मैं, क्योंकि यार रानी को लेके जाऊँगा फिर और लोग भी हैं तो मज़ा नहीं आएगा। बाकी उनको, रानी को यहीं रखते हैं और यहाँ से चलेंगे हम बड़ी गाड़ी में। तो फिलहाल यहाँ पे उनका वेट करता हूँ और क्या देखते हैं क्या सीन होता है। बाकी अभी देखो भाई साहब, मॉर्निंग के टाइम पे सुन से और गया रोड, मतलब अभी बहुत कम चांस है भीड़ भड़ाका, बहुत कम। बाकी यहाँ है हमारे गांव की रोड, इस जंगल वाले रास्ते से जाता हूँ मैं डेली अप डाउन। ये देख सकते, ठीक है, नौला पानी से जाती है सिर्फ ऊपर के लिए, ऊपर पूरा बैंड यहाँ आगे से चलता है ऊपर के लिए, जो कि भैंस गाँव का। बाकी अभी मैं नौला पानी में हूँ, यहाँ देख सकते, चेक दिस आउट। तुम तो नहीं मैं खाली महादेव तक गुण पे थोड़ा जाचर आना मैं तो यार फ्रंट सीट होनी चाहिए यार, तुम गलती करना जरा ऐसे ना जर जर निकालनी पड़ेगी ना वीडियो ना, नहीं तो ऊपर बैठी बैठी रोना बैठ रोना पहुंच गयो अब जरा पुल। सॉरी तुम यार, यार इसमें मैं स्मार्ट लग रहा यार तुम भाई को, तो मैं निन्ने नहीं कहूँ। तो गाइस हम पहुंच गए तो बैक पुल में, देखो मस्त वाला लोकेशन है ये ले, ये तो ये थी मुरड़े करी आई मेरे जो घर गया इरशाद तू बोल बोल ना कड़ा मचल तेरे से बोले यो कुल एक बात है तू सामान को निकाल दे तू भी देख ले बात, ठीक है। यहाँ देख सकते हो सब लोग आ चुके हैं हमारे साथ, पंकु हो गया, उस्ताजी हो गया और मनोज भाई मानसो। और देखो गाइस यहाँ पे उल्टी कर रहा है, पूरे बाजार से आया यहाँ पे उल्टी कर रहा है, रेपटे मारूंगा साले पे, उल्टी करना रखा तू यहाँ। देखो यहाँ उल्टी कर, तू यहाँ उल्टी करना रखा। लोग देख सकते, चेक दिस आउट, तैयार हो चुके हैं डोज खाते हुए। अब हम फर्स्ट ट्रिप, फर्स्ट ये भी फर्स्ट फर्स्ट टाइम है इन दोनों का। और बाकी यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी है, चेक दिस आउट। बाकी अच्छा देख सकते हो व्यूज। अब यहाँ से चलेंगे हम पैदल ट्रैक रुद्रनाथ का, तो हर हर महादेव।
गाड़ी फिलहाल यहाँ पे लग चुकी है हमारी। पंगो तब कैसा फील हो रहा था? जय भोले जय भोले। पीछे पीछे जा, सबको निकालना है ना। बस हो गया, चेक दिस दरवाजे। तो गाइस यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू हो चुका है, देख सकते हो आप। बाकी आप ये है भांग लवर के लिए, तो जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, भांगो भंगलू, बहुत सारा और गया भोले साहब भोलेनाथ का प्रसाद। तो बाकी साथ ही लोग देख चेक दिस आउट। और ये आ रहा है हमारे साथ फर्स्ट टाइम हिमांशु, तो देखते हैं इसका स्टेमिना कैसे चल पाता है। अगर ये नहीं चल पाया इसको धक्का मार के नीचे गिरा देने। क्यों यहाँ भांग बहुत रोका भाई? सुहाने मौसम, जंगलों के बीच चलने वाले हैं हम अब। तो दोस्तों धीरे धीरे जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं हम। चलो हिमांश तो कैसा लग रहा है तेरे को? नया फर्स्ट टाइम है तेरा? बस देखते हैं अब आगे जाके कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, चढ़ पाएगा कि नहीं चढ़ पाएगा। नहीं चलो क्या हुआ? धीरे धीरे देखो सबका रिदम हल्का हल्का डाउन होने बैठ गया है। बाकी पंकु पंकु रिदम ठीक है? हैं अभी कितने आए? 3 किलोमीटर डाउन हो रहा है। और भाई साहब भी आ गए हमारे भाई। चलो देखो हल्का हल्का रिदम सबका डाउन होता जा रहा है, होता जा रहा है। अभी हमें चंद्रकोटी कहाँ पे? सागर। हाँ चाचा के रिदम स्टार्टिंग से हैंड रखिए रहेगा है चाचा, यही रिदम पे चलेंगे मन हम बाबा के दरबार में। बाकी दो अला मैं नारे प्रेरण अला में हम फर्स्ट गल पर आ चुके हैं यहाँ पे, देख सकते हो। ये देखो इस पर बाकी भाई साथी लोग पीछे हैं बहुत सारे, अभी हम चार लोग हैं अभी, बाकी सब पीछे भी। चलो फिर नाश्ता करते हैं यहाँ पे, टाइम भी हो ही गया है नाश्ता करने का। उसमें हमारा नाश्ता भी आ चुका है। बाकी चेक दिस आउट पंगू मस्त आ रहा। पंगू की हालत बहुत डाउन हो गई जो तो उतार दिया। पंगू कैसा लगा तब थोड़ा सा ट्रैक का भी? कितना है? 4 किलोमीटर? 4 किलोमीटर का ट्रैक कर। मुझे नींद आ रही यार। हैं सो जा तू यहीं पे, हमारे तो आ गया परांठा। हम परांठा लेंगे। जो साहब भी जाती साहब भी जाती सोने के बाद यहाँ पे देखो। अब इसके बाद चलना है हमने ऊपर वाली चढ़ाई सब, ये देखो नीचे यहाँ पर चलना हमें पूरा। श्री रुद्रनाथ विजयते विजयते त्राम पुंग बुग्याल है मंगलमय होटल। तो अभी हमने यहाँ पे नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो कि फर्स्ट स्टे मिलता है। और अब यहाँ से निकलते हैं हम आगे की तरफ अपने ट्रैक के लिए। तो चलते हैं फिलहाल यहाँ, देख चेक दिस आउट सब लोगों ने। फिर गाइस क्या मांग रहे तुम उस्ताद जी? यहाँ पे देख सकते हो डोज मारते हुए बिल्कुल फैंसी लुक में, नाथ के घनघोर जंगलों में। ये मुर्री के बाग साहब रहा। सबको निकाल देने पीछे, सब आएंगे। क्यों रिकॉर्डिंग तो बाद में हो सकती है यार। अभी यहाँ पे देख सकते हो मस्त सा छोटा सा पुल। आजकल ना बारिश जो पानी है ना गदेरे का बहुत कम है, क्योंकि मैं जब 2020 में इधर आया था ना तो ईमान से पता क्या खतरनाक पानी था यहाँ, खतरनाक पानी। और ये पुल भी नया बना हुआ है। अंदर गुजार रहे तो ये पुल नहीं था, पहले स्विमिंग पुल नहीं था, पहले यहाँ नीचे से जाना था। बाकी ये पुल अभी बना है। बाकी सात लोग अभी आ रहे हैं, चेक दिस आउट ले। यहाँ देख सकते हैं रुद्रनाथ की चढ़ाई चढ़ने लगे हैं हम। बाकी हमने ना सामने पे अभी नाश्ता किया था और अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं सात लोग, अभी हम चार लोग। ये रहा हमारे 1.5 किलोमीटर का फासला, साथ ही वो है। आ जा
आउट। और मैं हूँ सीधा इतनी दूर, देख सकते हो आप। और वो है यहाँ। चलो फिलहाल चलते हैं फर्स्ट से बादल। तो गाइस यहाँ पे मिले हैं हमें अभी रामपुर तिलवाड़ा के, देखो कितने बुजुर्ग लोग हैं और ये यात्रा करके वापस जा रहे हैं। तो देख सकते हो भाई साहब इतने बुजुर्ग आदमी हैं और यात्रा करके वापस जा रहे हैं, बाकी हम अब चल रहे हैं। सात लोग बहुत पीछे हैं अभी और हम चल रहे हैं धीरे धीरे, रुद्रनाथ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। बाकी आनंद आ रहा है भाई साहब, क्या मस्त बताऊँ। और मौसम भी देख सकते हो कोहरा लगना शुरू हो चुका है, जैसे जैसे यहाँ कोहरा लगता ना कुछ दिखाई नहीं देता भाई, तो अभी स्टार्टिंग हो चुका है कोहरा लगना। बाकी मैं और पपुदा आ रहे हैं पीछे से, तो साथी लोग अभी बहुत नीचे हैं, तो ये चेक करो। ल्यूटी भूगाल बिस्ट ढाबा जी रुद्रनाथ मार्ग ल्यूटी। तो यहाँ से अब पड़ेगा फॉरेस्ट गार्ड वन विभाग का क्षेत्र, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे भी रहने की व्यवस्था है, स्टे फुल यहाँ देख सकते हैं। ये देखो तो फिलहाल गाइस पहुँच चुके हैं हम वन विभाग के क्षेत्र में, और यहाँ से आता है वन विभाग का क्षेत्र। अब इसके बाद ना स्टे करने के लिए कहीं नहीं, सीधा रुद्रनाथ मंदिर में है। और हर कपुर की बूंदाबारी होने शुरू हो चुकी है। अब पहुँच मस्त से लोकेशन में, चेक दिस आउट। जय हो प्रभु। तो यहाँ पे चूड़ी वगैरह चढ़ाते हैं शायद, एड़ी वगैरह। तो यहाँ से लोकेशन चेक करा दूँ आपको, ये देखो कोर लगना शुरू होगी ना। चेक करो यहाँ देख सकते हो कितनी सारी भेड़े हैं यहाँ पे। और ये है भेड़ों का मालिक पंकज चमोली, और ये असिस्टेंट हिमांशु कुमार शर्मा। तो यहाँ देख सकते हो पूरा भेड़ों से भरा हुआ है। तो अभी यहाँ पे फोटो शूट चल रही है और हम अभी वेट कर रहे हैं बुटोला अंकल और दोनों मनोज भाई लोगों का, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और वो अभी तक नहीं पहुँची। तो पंकों का एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा रहा। पंकों कैसा रहा था, ठीक रहा? अभी तो मतलब थोड़ा बहुत पाँव ठीक है, सुबह को पता चलेगा कि किसका क्या हाल है। अभी तो सब गर्म बॉडी अभी नहीं, अभी पता नहीं चलेगा, सुबह को पता चलेगा। बाकी देखो भाई सब, और यहाँ की लोकेशन ये है वन विभाग। तो बहुत स्मार्ट आ रहा है यार, इट्स गुड बाय। सबको लग गई है थकान, यहाँ देख सकते हो सो गए बच्चे। बच्चों गुल्लू मुल्लू सो गए। तो भाई अभी हम कर रहे हैं वेट साथी लोगों का। बाकी यहाँ देख सकते हो ये सब सो गए, सब सो गए, ये भी सो गया, ये भी सो गया। सो जाओ, गुड नाइट। आगे तो भाई अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें भूख लगी है, और उनके पास है समोसे और हमारे यहाँ खाली, तो उन्हें के लिए रुके हुए हैं। हमें लगी है बहुत तेज से भूख। किसको? मेरे को भूख लगी है। हाँ। वहाँ भेड़ खा ले, खाएगा तो भेड़ दूध भी तो देती होंगी। हाँ दूध पी ले, जा निपल चूड़, निपल जा जूस पी ले बेटा, जा भेड़ नहीं, भेड़ भेड़ा 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 निपल पकड़ मिल गया है। देखो ये देखो नया एलियन, और ये अभी ना अभी लैंड हुआ यहाँ पे, जादू देखो, जादू जादू जादूगर का जादू, जादू का कमाल है देखो जादू। अब ये देखो थोड़ी देर में उड़ेगा ये, उड़ उड़ हिमांशु उड़, नहीं उड़ रहा यार। दादाजी सो गए दोस्तों। फिलहाल हम पितरधार क्रॉस करने के बाद अब आ चुके हैं समुद्र वाले मैदान में, जो कि पितरधार तक जो चढ़ाई है ना तो भाई खतरनाक है। और पितरधार से ये वाला रास्ता काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी सामने वाले चोटी भी देख सकते हैं, बादल लगे हुए हैं। और बाकी हम 3 लोग आ चुके हैं, पंकु पीछे से आ रहा है, और बाकी 3 लोग तो बहुत पीछे हैं, लगभग ये मान के चलो आपकी 3-4 किलोमीटर पीछे है, और वो बहुत आराम से आ रहे हैं। तो फिलहाल हमने सोचा हम चले जाते हैं वहाँ, व्यवस्था कर देंगे रूम नाम लेके, क्योंकि थकान भी लग चुकी है हमारे, चलने से पता चल रहा होगा काफ़ी भयंकर थकान लगी हुई है। तो चलो फिर मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं हम, देखो सामने पे बाबा रुद्रनाथ। अब फाइनली हमें मंजिल मिल चुकी है, तो साथी लोगों का वेट करेंगे थोड़ा आगे पे, क्योंकि मंदिर की तरफ साथ में चलेंगे, तो उनका वेट करते हैं। बाकी ये देखो बादल लग रहे हैं मस्त, और
एक चीज बता दो ना, इस बार जो कि मैं 2020 में भी यहाँ आया था, बाकी उस टाइम ना यहाँ बहुत बारिश आई थी, खतरनाक बारिश में आया था मैं यहाँ, बाकी इस टाइम ने थोड़ा मौसम ने साथ दिया और अच्छे से आए हम। और एक चीज़ और बता दो कि जैसे कि पहले यहाँ स्टे करने के लिए बहुत सारे जगह थी, क्योंकि ग्रामीण लोगों का था, गाँव के लोगों का जो भी होता है, तो जैसे कि पितृधार में था, उससे आगे भी थे, मतलब बीच में आप कहीं भी रुक सकते थे, लेकिन अब नहीं है। अब ये लगा लो नीचे पूरी क्या चीज चले हो, सॉरी, पितृधार से लेके और मंदिर तक कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। तो अपने साथ बिस्किट वगैरह साथ में लाएँ, क्योंकि आज मुझे भी पता चल गया भाई साहब, जब भूख लगी ना क्या ही बताएं। बाकी साथी लोगों ने इतना लेट कर दिया, क्योंकि 2-2.5 घंटे हमने नीचे पे वेट किया बुग्याल पे, वन विभाग, जहाँ पे वन विभाग वालों का ऑफिस है, तो वहाँ पे। तो चलते हैं मंदिर की तरफ, बाकी भाई आनंद ले ही रहे हैं, साथी लोग आ रहे हैं, तो चलो फिर। क्या ये देखो, ये रहे हमारे महादेव, हर हर महादेव, जय रुद्रनाथ बाबा। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं रुद्रनाथ में, और फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं अपने एक कमरे, बाकी 3 लोग आ ही रहे हैं, बाकी पंकू भी आ गया भाई, पंकू बहुत थका है, पंकू कल बोलेगा घर पे गाली देगा मेरे को। और सामने की चोटी भी देखो गाइस, बादल लगे हुए हैं, मस्त से बादल, ठीक है, आराम से ट्रैक करने में मजा है। हम ना वहाँ पे 2-2.5 घंटे सोते नहीं ना, तो हमने यहाँ अब तक सो जाना था हम यहाँ। तो फिलहाल देख सकते टेंटों की व्यवस्था है यहाँ पे, फुल व्यवस्था है, मतलब कभी 200-250 आदमी आए तो व्यवस्था हो सकती है। बाकी यहाँ से लेके आगे मंदिर की तरफ भी धर्मशाला आए हैं, तो बाकी अभी यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ कमरे का, देखते हैं क्या सीन होता है, जल्दी मिलेंगे नई ब्लॉक में। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ में मिल चुका है हमारा कमरा, यहाँ कपड़े नहीं, तो फिलहाल रूम मिल चुका है हमें गाइस, ये देखो, और यहाँ पे सारे लोग। तो फिलहाल कमरा देखिए, 700 रुपये पर पर्सन, 700 रुपये पर पर्सन है, जमा कर देना मेरे पास 700 रुपये, ठीक है। बाकी हम भी आ गए हैं, आराम करते हैं थोड़ा, और 7 बजे होती है मंदिर में आरती, और हम चलेंगे थोड़ी देर में आरती में, तो फिलहाल रेस्ट करते हैं, बाकी लोग आ गए हैं, मिलते हैं आपसे सीधा मंदिर में। जादू ये देखो जो गाइस, जैसे धीरे धीरे रात पड़ी है, वैसे वैसे जादू प्रकट। बड़े वाले जादू सही नहीं, सब टूट पट हो गए, चलो खाना खाने।